ये खुल गया स्लीपिंग बैग। ठंड हो रही है बहुत भयंकर। हाँ जी, कैसे हो? तो वेलकम टू बीआरएच एक्सपीडिशंस एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अभी हम लोग हैं काजा में, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग, वो भी ग्राउंड कैंपिंग, हॉट टेंट कैंपिंग। तो जो पोर्टेबल तंदूर होता है वो मैंने खुद ने बनाया है। टेंट है जो, उसमें भी मैंने खुद ही कुछ कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस और उसमें उसको फिट किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लोसर की तरफ। अभी मैं काजा से निकला हूँ, लोसर जा रहा हूँ। अभी मिलते हैं आपसे फिर आगे लोसर में कैंपिंग का, वहीं खाना वाना बनाएंगे। खाना वाना तो क्या, मैं हल्का फुल्का खाने लाया हूँ, मैं सर्वाइव करना है अपने को। तो अंडे हैं, मैगी है, सूप है और बस यही है, और कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास। बाकी पहले की वाली वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, तो सपोर्ट की आपसे थोड़ी सी गुजारिश है। अब यार आपको थोड़ा सा सपोर्ट आप बनाओ, अब तो मज़ा आ जाएगा यार। कंटेंट अपना एक्सट्रीम लेवल का चल रहा है। नाइट में पिन वैली तो मज़ा ही आ गया होगा आपको। और विदाउट स्नो चेन गए थे यार हम लोग पिन वैली में ना, विदाउट स्नो चेन गए थे। वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे देख जाके देखना, पिन वैली वाली वीडियो, जिसमें जिमनी 1.5 से 2 फुट, कई जगह तो मतलब 3-3 फुट भी स्नो थी और विदाउट स्नो चेन जिमनी ने किया उसको। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जिमनी इतना अच्छा कर पाएगी, बट फिर बहुत अच्छा किया यार इसने, बहुत अच्छा किया। और इसमें जो टायर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो कॉन्टिनेंटल क्रॉस कॉन्टैक्ट, और दूसरा टायर भी था हमारे पास में साथ में, वो अपोलो का एपटेरा 82। तो दोनों की परफॉर्मेंस भाई अच्छी, बाकी इसकी ज़्यादा अच्छी थी मुझे जो लगा। इसने ना मतलब कई बार फंसी है, सेल्फ रिकवरी करी। सेल्फ रिकवरी भी ये नहीं कि हमने कोई बेलचे से बर्फ़ हटाई हो, या फिर कि सैंड ट्रैक का यूज़ किया हो, या फिर मतलब कुछ भी। सेल्फ रिकवरी जो इसने करी, खुद ही करी। ये लोसर की तरफ जा रहे हैं, ये लोसर का रास्ता देखो, शुरू हो गई है यहीं से। पिन वैली गए थे ना, तभी इन गाड़ियों में 4x4 यूज़ किया था, नहीं तो उसके अलावा कहीं भी 4x4 यूज़ नहीं किया। इतनी कैपेबल है ये जिमनी। एक गाड़ी में तो 5 लोग बैठे हुए थे, और एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, और बाकी सामान भी था। और अगर ये जी गाड़ियाँ खाली होती ना, तो इसकी परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की आती भाई। आज हम करने वाले हैं नेगेटिव टेम्परेचर में कैंपिंग, ग्राउंड कैंपिंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं, कोई अच्छी सी लोकेशन देखूँगा और वहाँ पे फिर टेंट लगाऊँगा। टेम्परेचर अभी यहाँ पे दिखा रहा है मुझे गाड़ी में तो -7, और बाकी मैंने फ़ोन पे चेक किया तो -15 के आसपास था। तो मैं फ़ोन पे भी अभी मैं आपको दिखा दूँगा जहाँ कैंपिंग करूँगा। हाँ, मैं ऐसी जगह कैंपिंग करूँगा जहाँ पे नेटवर्क रहेंगे।
ये अपना भाई पोर्टेबल तंदूर है और इसको लगाते हैं अभी। ये मैंने खुद नहीं बनाया था भाई, अपना खुद का ही डिजाइन, पोर्टेबल, कहीं भी गाड़ी में रख के ले जाओ, अब यूज हो रहा है ये। इसमें मैंने फायर प्रूफ पेंट भी किया था पर वो पता नहीं यार क्यों कुछ नहीं पाया। इधर से ये इसका कवर लग गया, तंदूर बन गया। अब अपन हटाते हैं इसको। तंदूर लगा दिया, अब इसको जलाने की कोशिश करते हैं। मैं बुरादा लेके आया था भाई, जिसमें कैरोसिन मिक्स होता है, डीजल या कैरोसिन, तो ये डालेंगे इसमें। चलो लगाते हैं आग, फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे बाद में। सबसे पहले आग जरूरी है भाई। ये क्या हो गया? तो पानी मिक्स था क्या? चलो तो इसका इलाज मैं दूसरा करता हूँ, ऐसे तो नहीं आएगी काबू में। ये आ गई अपनी जादू की पिटारी। ये अभी थोड़ी देर में जला देगी इसको। टेंट लगाने में बहुत टाइम लग गया यार, हालत ख़राब हो गई। तो अभी टेम्परेचर होगा करीब मेरे भाई 15-20 कितना होगा वो। मैं टेंट बड़ा कोजी लग रहा है मुझे, रात निकल जाएगी आसानी से, लग तो यही रहा है, बाकी देखते हैं। हो गई शुरू इसमें आग लगना। ये भाई कैंपिंग करो तो ये साथ रखा करो, हाँ गजब की चीज़ है। आग लग तो गई भाई। अब मैं कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। भाई साहब आग नहीं लग रही, इतनी देर हो गई लगाते लगाते पर अभी तक तो लगी नहीं है। मतलब बीच में लग गई थी पर पता नहीं क्या ही हुआ एकदम से बुझ गई। तो अभी मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ लगाई हैं, देखो लग जाए तो। मैं अंडे उबाल लेता हूँ यार। और प्रॉब्लम एक और हो गई बड़ी वाली, वो अभी बताऊँगा आपको। हवा चल रही काफी तेज, अब की बार आग लग गई। अंडे खाऊंगा मैं अब। अच्छा चल रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ वापस। हवा बहुत तेज चल रही है। टेम्परेचर अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या
क्या हो रहा है, बस आग लग जाए एक बार फिर अपन टेंशन फ्री है। अब आग लग गई भाई, हाँ अब सर्दी कुछ कम हुई। हवा बहुत तेज चल रही है, देख रहे हो हवा कितनी तेज चल रही है। मेरे ना पैर सुन्न हो रहे हैं यार, मतलब मैंने टेंट वेंट लगाया था ना, तो अब इनको थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँ जूते खोल के। वाह क्या गर्माई बना दी इसने, मज़ा आ गया, मज़ा आया। पैरों को थोड़ा सा सही करता हूँ। इसके नीचे रखता हूँ अंडे, गरम होने लग गया पानी, हवा बहुत तेज चल रही है। आज मैंने इधर है ना स्नो लगा दिए, इस तरफ उस तरफ उस तरफ ना दिख रहा होगा टेंट उस तरफ। अभी तो देखो -17 है और अंदर टेंट में मतलब इतनी मज़ेदार तरीके से बैठा हूँ ना कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर ही अपना तंदूर लग ही रहा है पोर्टेबल, वहाँ से वो निकल रहा है। ये मेरा डिकैथलॉन का टेंट था भाई, इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे वेलक्रो लगाई और फिर जब लगाना होता है तो वेलक्रो लगा लेते हैं। और अभी अंदर मैं बिस्तर अभी लगाऊंगा, तो ये चल रहा है। थोड़े पैरों को गर्म कर रहा हूँ मैं, पैर थोड़े सुन से हो रहे हैं। इधर तो ये अंडे उबलने वाले हैं, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर मैं सूप बना रहा हूँ। ऑक्सीजन थोड़ी सी कम कर दी इसमें अंदर, बहुत तेज चल रहा है, बढ़िया माहौल हो रहा है अंदर का गरम गरम। बाहर चाहे कितना ही ठंडा हो रहा हो, अब देखो वाह, मतलब इसके दो फायदे हैं भाई, एक तो खाना भी बनाओ आप और दूसरा अपने आपको गरम भी रखो। पैर तो मैंने ठीक कर लिया, एक पैर और सुन हो रहा है, वो भी मैं अभी सही करता हूँ थोड़ी देर में। ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई इधर अंडे उबल रहे हैं, इधर सूप बन रहा है अपना। बहुत सही चीज है यार ये। सूप तो बन के रेडी हो गया, सूप तो मैं पी रहा हूं। वाह मजेदार। एक नंबर। ये अपन ने डस्टबिन बना लिया, डस्टबिन की पन्नियाँ अंदर रखी हैं और अंडे उबल के अंडे में खा रहा हूँ अभी। अभी बिस्तर लगा के फिर सोने का इंतजाम करते हैं। तो ये कुछ अपना सेटअप है, बढ़िया हवा बहुत तेज चल रही है, टेम्परेचर काफी डाउन है। तो भाई टेम्परेचर है ना डाउन होता जा रहा है, इसमें भी आग थोड़ी कम लगी है, मतलब लग रही है पर अब पहले तो हीट अच्छी कर रखी थी इसने, पर अब तो पता नहीं क्यों ठंड बढ़ती जा रही है। अब टेम्परेचर भी करीब -25 के आसपास है अभी। और मेरे पास ये लकड़ियां हैं कुछ इसमें लग रही हैं और वहाँ पे पड़ी हैं। बिस्तर में अंदर ले आया, लगाता हूँ मैं बिस्तर, फिर सोने की तैयारी करता हूँ। 9 बज गए अभी, देखते हैं कैसे कैसे सर्वाइव होता है भाई। लकड़ियाँ ये पूरी रात के लिए तो कम रहेंगे भाई, ये मुझे पता है कम रहेंगे, पर देखेंगे जो भी होगा। यार मैं बिस्तर लगा लेता हूँ, ये खुल गया स्लीपिंग बैग। ये भाई मैंने दिल्ली से लिया था, पहले मैं वो वाला यूज़ करता था पर वो इतना कारगर नहीं है। चलो मैं इसमें घुसता हूँ, ठंडी लग रही है यार। तो यार मैं अभी स्लीपिंग बैग में आ गया, ये स्लीपिंग बैग मेरे समझ से बाहर है भाई। ये इसका सर वाला हिस्सा है, इसमें ना सर जा रहा है, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा। तो एक कंबल था मेरे पास वो डाल लिया, चैन भी पूरी बंद नहीं हो रही इसकी। भाई ठंड एकदम से बढ़ती जा रही है यार, इस तंदूर ने बढ़िया काम कर रखा है। टेम्परेचर हालांकि इस वाले पोर्शन में अच्छा खासा डाउन है, पर यहाँ से हल्की हल्की हीट की वजह से ना कोई दिक्कत आ नहीं रही है।
हाँ जी, टाइम दिखाता हूँ, 4:52। ये दिख रही है हल्की हल्की सी क्रिस्टल बर्फ की, पूरे टेंट में जम गई है। ये स्लीपिंग बैग वैसे तो यार ठीक है, बट है ना थोड़ा एडजस्ट ऊपर का हिस्सा मेरा बाहर ही कंबल से काम चलाया, हाथ बात ठंडे है। 5 बज गए और अभी यार ठंड इतनी तेज है, तंदूर वापस जलाना पड़ेगा। तो अभी मैं चलो लकड़ी लगाता हूँ, जलाता हूँ इसको। आग लगा दी, मेरे पास पेट्रोल लगा था थोड़ा सा, वो डाल दिया इसमें और आग लगा दी। और टेम्परेचर कितना हो गया भाई, पता नहीं कितना हो गया, बस आग लग जाए जल्दी से, बढ़िया। ठंड हो रही है बहुत भयंकर, ये सब देखो बर्फ जमी हुई है पूरी क्रिस्टल। जल तो जानी चाहिए, जल जानी चाहिए, जल ही गई, जल गई, जल गई, नींद गजब आई थी भाई, बड़ी मजा आया, पर ठंड बहुत है यार। पर जितना मैंने सोचा था ना उतना भी ज्यादा नेगेटिव में गया नहीं टेम्परेचर, मेरे ख्याल में तो 25 के आसपास ही गया हो, जैसे जितना मैंने सोचा था उतना एक्सट्रीम गया नहीं, बहुत ज्यादा ठंड है यार, भयानक ठंड है भाई। ये सब बर्फ जमी हुई है देखो अंदर, इतनी ठंड। ये देखो ये है ना पूरा ऐठ गई, देखो केबल सीधी नहीं होने में दिक्कत कर रही है, पूरी ऐठ हुई है, पूरी ऐठ गई। अब की बार कुछ गर्म होने लगा है तंदूर। अभी नेटवर्क यहाँ पे आ रहे थे, अब आ नहीं रहे। टेम्परेचर आपको दिखाऊं तो -25 और 30 के आसपास होगा, -25 -25 है, और फील्स लाइक ये करीब -35 के आसपास है। भैया टेम्परेचर है अभी -25, टाइम हो गया है 5:15 और इधर से अभी बर्फ हट गई, जब से तंदूर चला है ना टेम्परेचर थोड़ा सा नहीं ऊपर हो गया है अंदर टेंट में, सुन हुए थोड़ी देर में हाथ वाथ सब। यार एक हमारे भाई हैं, उनका काम है ये जो थ्रेसर होते हैं ना जिसमें गेहूं वगैरह निकलते हैं, उनकी मशीन बनाते हैं, तो ये पैर पूरा मैंने उनको बताया कि इस टाइप का कुछ मुझे चाहिए, तो उन्होंने मेरे को ये बना के दिया बहुत तरीके से। यहाँ से ये इसमें एक गेट है, ये इसको खोल के लकड़ी डाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन जितनी आपको अंदर करनी उतना इसको खोल के रखो, जब जैसे शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा रखो जो अच्छे से आग लग जाए, फिर बाद में कम करो जो प्रेशर से आग लग के और पूरी अंदर से गर्म बनी रहे है। और ये जो पाइप है, ये पाइप अपने घरों में सीढ़ियों में रेलिंग लगती है जो उसका पाइप है, तो उसका मैंने इसका एग्जॉस्ट पाइप बना दिया। और ये अमेजोन पे एक वो मिलता है एग्जॉस्ट पाइप के लिए बांधने के लिए, ये फायर रेजिस्टेंट होता है ये, तो ये लगा दिया कि जिससे कि इसको ये गर्म ना करे, फिर भी इसने टेंट को हल्का हल्का सा यहाँ से इतना गर्म हो गया था कि, और थोड़ा सा वहाँ से जल ही गया, तो बाकी अब हीट फुल पावर दे रहा है, अब थोड़ा सा सही हुआ है मामला नहीं तो। और स्लीपिंग बैग ये वैसे तो ठीक है भाई, टेम्परेचर तो सहन कर रहा है, बट ना एडजस्ट होने में अंदर थोड़ा, जो मेरा पुराना वाला स्लीपिंग बैग है वो ज़्यादा अच्छा है एडजस्ट होने के हिसाब से, सारी चीज़ के हिसाब से। इससे बेहतरीन कैंपिंग नाइट में मुझे नींद कभी नहीं आई भाई जितनी इस वाली में आई है। और टेम्परेचर -25-30 फील्स लाइक तो 40 के आसपास ही, तब हवाएं चल रही थी ना जो रात को, वो फील्स लाइक 40 के आसपास था, इतना ज़बरदस्त था भाई, बहुत ज़बरदस्त नींद आई थी। अभी तो दिन भी नहीं निकला भाई, 5:30 बज गए और ये कुछ अपना सेटअप है यहाँ पे, देख रहे हो, इधर से दिखाऊं मैं आपको, कोई नहीं है यहाँ पे, तंदूर जल रहा है, धुआं दिख रहा है क्या इसमें आपको, अब दिखेगा, ये अपना तंदूर जल रहा है, अभी मैंने जलाया है। नींद अच्छी आई थी, बाहर तो बहुत ठंडी है यार, बाहर निकलती सुन लो गया सब कुछ। तो भैया
कुछ फोटोग्राफी के लिए आया था बाहर, और इस हाथ की हालत हो गई खराब। ये दिख रहा है, अभी मैं वापस चलता हूँ तंदूर के पास। धुएं अपने तंदूर के आ रहे, निकल गए। थोड़ी देर हाथ गर्म करता हूँ। तो यार दिन निकल गया। तो और वो अपना सेटअप पीछे लगा हुआ है, वहाँ पे ठंड इतनी है, ग्लव्स में भी हाथ सुन्न हो गए भाई। तो अब मैं वापस चलता हूँ उधर ही गाड़ी की तरफ। मैं थोड़ा सा आ गया था बाहर। ये अपना सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे, और मुझे हाथ सुन्न हो गए यार, दर्द होने लग गया। जल्दी अरे तेरे, अरे यार भयानक ठंड है यार बाहर। वो देखो इसकी चैन बंद करने दे। इतनी भयानक ठंड है, ग्लव्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में गया हूँ। 5 मिनट में ही सनग्लासेस लगाए थे भाई, उन पे भाप जम गई, भाप बन गई बर्फ, बर्फ में कन्वर्ट हो गई देखो। और धूप निकली हुआ है इतना तो है। चलो वही ड्रोन कैलिब्रेट सन करना पड़ रहा है इसका दोबारा, पता नहीं क्यों। तो ये फिर ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा मैं आपको अभी।